मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बीती देर रात गरज चमक के साथ भीषण बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश व तेज हवाओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होर्डिंग व पेड़ गिरा दिए। बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक कुछ जगहों पर बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, जनहानि की तो सूचना नहीं है कहीं से, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। अभी तहसील सदर से और तहसील चौरी चौरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई है और भी तहसीलों से रिपोर्ट एकत्र किया जा रहा है। तो कहीं पेड़ के डंठल टूट जाने से या कहीं इस तरीके से कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ झोपड़ियों पर भी पेड़ गिरे हुए हैं, तो उसका प्रॉपर असेसमेंट संबंधित क्षेत्र के लेखपाल के माध्यम से कराया जा रहा है और जो भी इस तरह की जो क्षति हुई है राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार उन्हें समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि जो शासन द्वारा अनुमन्य है, तो उसका सर्वे कराया जा रहा है और उन्हें सहायता दी जाएगी। ऐसे इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह का जो सिचुएशन है तो प्रायः कोशिश यही करना चाहिए कि अगर दिन के उजाले के समय है तो आप कोशिश करिए कि किसी पक्के मकान में अपने आप को शरण ले लें और किसी भी दशा में पेड़ों के नीचे कभी भी शरण न लें, खासतौर से जब वर्षा हो रही हो और वज्रपात हो रही हो और जिन क्षेत्रों में जहाँ पे सिंगल पेड़ होते हैं काफ़ी दूर के बीच में, वहाँ तो मतलब पूर्ण रूप से उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वज्रपात की घटनाएं सबसे ज़्यादा पेड़ के नीचे ही होती हैं। तो इसलिए उस तरीके से अपने आप सुरक्षित कर सकते हैं। कोशिश करें यथाशीघ्र आसपास जहाँ कहीं भी आपको कोई पक्के मकान मिले उसमें आप शेल्टर कर लें और बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें। और दामिनी ऐप और सचेत ऐप, ये दो ऐप भारत सरकार द्वारा और NDMA द्वारा लॉन्च किया गया, इसको मैं आपके चैनल माध्यम से सभी श्रोताओं से ये अनुरोध करूंगा कि दामिनी ऐप और सचेत ऐप अपने मोबाइल पे जरूर डाउनलोड करके रखें क्योंकि वो कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उसे दामिनी ऐप से ये देख सकते हैं कि वज्रपात अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में किस क्षेत्र में हो सकता है उसकी सूचना मिल जाएगी और सचेत ऐप से आपको जिस प्रकार का मौसम होगा उसके संबंध में सूचना मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर कुछ भी रहेगा तो वो अलर्ट दे देगा सचेत ऐप, और दामिनी ऐप पर आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर